अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि सब खैरियत आफियत से होंगे। आज 12 यूनिक फ्रेगरेंसेस की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हैं, उसकी जो बकाया फ्रेगरेंसेस है उस पर आज इंशाल्लाह एक मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें पेवर ऊद बाई केलियन, वोडक ऑन द रॉक्स बाई केलियन, अम्बर ऊद बाई केलियन, डार्क लॉर्ड, ब्लैक फैंटम, गुड गर्ल, गान बैड और बैक टू ब्लैक बाई केलियन, ये तकरीबन 7 फ्रेगरेंसेस है। इस पर आज बात करूँगा। इसके अलावा रोज़ ऊद, मस्क ऊद और रोज़ एंड क्वेर, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं अलहदा अलहदा, वो भी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हैं पेवर ऊद बाई केलियन, पेवर ऊद बाई केलियन ये एक पेवर ऊदी टाइप की फ्रेगरेंस है। इसमें ऊद हैं, वुड हैं, गायक वुड हैं, अगर वुड हैं, ये इसकी नोट्स में शामिल है। ये खुशबू जो हैं स्मोकी, वुडी प्लस ऊद और वार्म स्पाइसी टाइप की फ्रेगरेंस है पेवर ऊद बाई केलियन। इसकी ओरिजिनल परफ्यूम जो है ये तकरीबन 56,000 रुपीज़ की है उसकी। ये वुड की, बिल्कुल पेवर वुड की जो खुशबू होती है इसकी उसी तरह खुशबू है, लेकिन ये भी यूनिक फ्रेगरेंस है, हर किसी के लिए नहीं है। जो वुडी और नेचुरल टाइप की फ्रेगरेंसेस की शौकीन है ये उसके लिए है, बेहतरीन खुशबू है पेवर ऊद बाई केलियन। हमारे पास अवेलेबल है ये 1200 रुपये हैं इसकी प्राइस। इसके बाद जो है ये वुडक ऑन द रॉक्स बाई केलियन, इसकी ओरिजिनल परफ्यूम $250 की है। इसकी फ्रेगरेंस जो है ये एरोमेटिक वार्म स्पाइसी एल्डिहाइडिक फ्रेगरेंस है। इसकी नोट्स में कार्डमम है, धनिया है, एल्डिहाइड्स हैं, लिली ऑफ द वैली है, एम्ब्रोक्सिन है, ये इसकी नोट्स में शामिल है। इसकी खुशबू फ्रेश और धनिया की जो नोट्स है वो भी इसमें, आप जब इसको स्मेल करेंगे तो वो आपको महसूस होगी। कार्डमम की भी उसकी नोट्स है इसमें। वुड का तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये है कि उसकी खुशबू कैसी होती है, लेकिन इसकी फ्रेश एरोमेटिक फ्रेगरेंस है, फ्रेश बोझ डालने वाली खुशबू नहीं है। इसमें एल्डिहाइड एक नोट्स हैं, इसमें शामिल हैं एल्डिहाइड। इसका काम होता है खुशबू को स्प्रेड करना और उसको लास्टिंग देना, तो इसमें एल्डिहाइड हैं। और एम्ब्रोक्सिन की भी, जब ये ड्राई डाउन की तरफ चली जाती है तो एम्ब्रोक्सिन की जो स्वीटनेस है वो भी इसमें आपको फिर महसूस होगी, लेकिन स्टार्ट में भी इसकी स्वीटनेस है इसमें थोड़ी बहुत। ये भी एक किस्म की नेचुरल टाइप की खुशबू है, जिस तरह जड़ी बूटियों की खुशबू होती है नेचुरल, उसी तरह की अगर आप शौकीन हैं तो ये भी बहुत प्यारी खुशबू है। इसकी पहलाव भी अच्छी है, टाइमिंग भी ज़बरदस्त है। इसके बाद जो है ये अम्बर ऊद बाई केलियन, अम्बर ऊद बाई केलियन ये स्वीट अम्बरी वुडी टाइप की फ्रेगरेंस है। अम्बर और ऊद की ये मिक्सचर है, अम्बर और ऊद इन दोनों की मिक्सचर है, स्वीट खुशबू है। ये 1200 रुपये हैं और इसकी ओरिजिनल परफ्यूम तकरीबन $200 की हैं। ये भी महंगी परफ्यूम है, ये भी बहुत स्वीट और अम्बरी वुडी फ्रेगरेंस है। अगर किसी को चाहिए तो ये भी हमारे पास हैं, ये भी 12 यूनिक फ्रेगरेंसेस में हैं। इसके अलावा डार्क लॉर्ड बाई केलियन, जिस तरह नाम से जाहिर है इस तरह के ये डार्क और तेज़ किस्म की खुशबू हैं। इसकी नोट्स में पेपर है, बर्गमॉट है, जैस्मिन है, लेदर है, वटेवर हैं, ये इसकी नोट्स में शामिल है। और इसकी ओरिजिनल परफ्यूम $240 की है। ये बहुत डार्क टाइप की खुशबू है, हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की फ्रेगरेंस हैं ये, आप जब किसी दरबार में जाते हैं और दरबार में एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है तो ये उस टाइप की खुशबू हैं। लेकिन यह है कि इसमें स्पाइसनेस भी हैं थोड़ी बहुत, स्पाइसी टाइप की फ्रेगरेंस है, डार्क लॉट और तेज़ खुशबू हैं थोड़ी बहुत। इसकी फ्रेगरेंस जो है तेरी डिहार्मस जो परफ्यूम है उससे मिलती जुलती है थोड़ी बहुत, लेकिन यह उससे तेज़ है और डार्क टाइप की फ्रेगरेंस है। डार्क लॉट बाई केलियन नाम से ज़ाहिर है, ये बेहतरीन खुशबू है उन लोगों के लिए जो इस तरह की पेपर, बर्गमॉट, वटेवर, लेदर, लेदरी टाइप की फ्रेगरेंसेस की जो शौकीन हैं उन लोगों के लिए हैं, बेहतरीन है उन लोगों के लिए। लेकिन इट इज़ नॉट एवरी बॉडी कप ऑफ टी, अक्सर मैं कहता हूं कि ये हर किसी के लिए नहीं है। जो नेचुरल टाइप की फ्रेगरेंसेस को शौकीन हैं तो ये सारे जो 12 यूनिक फ्रेगरेंसेस हैं उन लोगों के लिए हैं।
इसके बाद जो है ब्लैक फैंटम बाइकेलियन, ब्लैक फैंटम बाइकेलियन जो है ये डार्क चॉकलेट की खुशबू हैं। अगर इसमें वनीला है, डार्क चॉकलेट हैं इसकी नोट्स में, तो अगर किसी को चॉकलेट की फ्रेग्रेंस पसंद हो तो ये ब्लैक फैंटम बाइकेलियन ये उसके लिए बेहतरीन खुशबू है। बहुत प्यारी खुशबू है चॉकलेट की लवर्स के लिए। परफ्यूम जो है इसकी परफ्यूम तकरीबन वो भी $250 की हैं ओरिजिनल परफ्यूम। इसके बाद जो है ये गुड गर्ल गॉन बैड, ये एक फ्रेग्रेंस है केलियन की। इसकी नोट्स में आसमानतस हैं, जिसकी जो एक पौधा है और उसकी खुशबू पीच की तरह है थोड़ी बहुत, और जैस्मिन है, ट्यूब रोज़ है, मेरोज़ हैं। इसके अलावा जो हैं सिडार वगैरह भी इसकी नोट्स में शामिल है। इसकी खुशबू मैंने खुद चीक की है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, लास्टिंग तो अच्छी है इसकी। ये 12 ml 800 रुपये हैं। इन सब की लास्टिंग अच्छी होती है, लेकिन इसकी स्टार्ट में आपको पीच की खुशबू, शल्तालू की खुशबू जो है आपको महसूस होगी स्टार्ट में, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस आ जाती हैं जिस तरह इसकी नोट्स में, और फ्लोरल हैं, ये फ्लोरल फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, फ्रूट्स ज़्यादा है। इसकी परफ्यूम भी तकरीबन $250 की हैं। इसके बाद जो है बैक टू ब्लैक बाइकेलियन, इसकी भी तकरीबन परफ्यूम $240 की है, और ये अंबर वुडी फ्रेग्रेंस है। इसकी नोट्स में स्वीट्स, हनी, टोबैको, अंबर, फ्रूटी, चेरी, वार्म स्पाइसी, वनीला, फ्लोरल, ये इसकी नोट्स में ये चीज़ें शामिल हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस जो है, इसकी लास्टिंग भी अच्छी लास्टिंग है। ये हमारे पास दस्याब है, 1000 रुपये तोला है ये बैक टू ब्लैक बाइकेलियन। बिल्कुल हनी की नोट्स भी इसमें है, तो उसकी भी फ्रेग्रेंस आपको महसूस होगी शहद की। तो ये यूनिक फ्रेग्रेंस है, हनी, टोबैको इसकी नोट्स में शामिल हैं, तो इसलिए इस वजह से ये भी यूनिक बनता है इसकी फ्रेग्रेंस। खुशबू इसकी प्यारी है, अच्छी खुशबू है। मैं खुद मैंने लगाया था तकरीबन 8+ hours इसकी लास्टिंग है, लास्टिंग इसकी अच्छी है बैक टू ब्लैक की। अब तो गर्मी आ रही हैं, इसलिए गर्मियों में फिर जितने भी परफ्यूम्स होते हैं उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये 12 यूनिक फ्रेग्रेंसेस के नाम पर जो सीरीज़ हमने शुरू किया था वो आज इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसके बाद भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा जो यूनिक फ्रेग्रेंसेस है उस पर भी बनाऊंगा, और आइंदा वीडियो इंशाल्लाह एनवेक्टस बाय पाको रबानी जो हमारे जो टॉप आइटम है और इसकी जो बहुत ज़्यादा डिमांड्स बहुत ज़्यादा है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। एक एक जो हमारी जो मोस्ट डिमांडेड परफ्यूम्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें माउंट ब्लैंक लीजेंड हैं, इन्वेक्टस बाय पाको रबानी हैं, और इस तरह 3-4 और भी हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह एक कम्प्लीट वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।